कोई इसे रहस्य मानता है और कोई इसे हकीकत समझता है। हिप्नोटिज्म यानी सम्मोहन के बारे में लोगों की हमेशा से अलग अलग राय रही है। हमारे समाज में समय के साथ कई गलत फहमियां भी सामने आई हैं। आखिर क्या हिप्नोटिज्म को साइंटिफिकली समझाया जा सकता है? क्या सम्मोहन कोई विद्या है? आखिर क्या है सम्मोहन? क्या सम्मोहन के जरिए किसी इंसान की निजी जिंदगी या स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का निवारण किया जा सकता है? हिप्नोटिज्म की दुनिया के ऐसे तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश हम करेंगे हमारी इस सीरीज में, जिसका नाम है क्या रहस्य क्या हकीकत। आज के एपिसोड में हमारा विषय है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी गिरता हुआ आत्मविश्वास। हमारे साथ आज हैं रोशनी लाला, जो कि अपनी जिंदगी में बहुत कुछ गंवा चुकी हैं क्योंकि वो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से पीड़ित हैं। नमस्ते, मैं रश्मि लाला केयर वर्ल्ड के इस कार्यक्रम में अपनी इच्छा से भाग ले रही हूँ। और हमारे साथ हैं आज फेमस हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर रूपा। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जब हमें किसी के सामने इन्फीरियर फील होता है उसे बोलते हैं इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। और लो कॉन्फिडेंस, जैसे कोई चीज करने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं रहता उसे बोलते हैं लो कॉन्फिडेंस। आइए देखते हैं कि डॉक्टर रूपा रोशनी लाला की किस तरह से हिप्नोटिज्म के जरिए मदद कर पाती। डॉक्टर, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग बहुत सालों से कि मुझे ये इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो रहा है। जब दूसरों को देखती हूँ जो या तो बेटर दिखता है, या तो एजुकेशन वाइज बेटर है, या ज़्यादा अचीव कर चुका है, तो मुझे लगता है कि वो मुझसे बेटर है और मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगी। तो मुझे प्लीज़ हेल्प करिए कि मैं सक्सेसफुल हो पाऊँ करियर वाइज। कुछ भी अचीव करना है तो एक यही रुकावटें आ जाती है कि मैं शायद कर नहीं पाऊँगी या मैं वहाँ तक जा नहीं पाऊँगी। वो नेगेटिविटी आ जाती है कि मुझसे नहीं होगा क्योंकि दूसरा मुझसे बेटर है, दूसरा अचीव कर देगा। तो ये जो लो कॉन्फिडेंस है अपने आप को लेकर, ये मुझे बहुत रुकावट कर रहा है पहुँचने में। और जहाँ मुझे सक्सेसफुल होना है करियर वाइज, जहाँ मेरे जितने जो लोग हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, जिस बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग, आई एम नॉट रीचिंग वेयर आई शुड बी रीचिंग। तो आई फील दिस इज द मेजर थिंग दैट आई एम लैकिंग, सो आई थिंक यू शुड हेल्प मी विद दिस। रश्मि, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बात बताइए कि आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर क्यों करते हैं? मुझे लगता है कि दूसरा बेटर है से, अगर फॉर एग्जांपल इफ मुझे ऐसे दिखेगा कि अरे द अदर पर्सन इज एक्सट्रीमली फेयर, देन आई विल फील अरे मे बी आई एम डार्क, दैट्स द रीजन द पर्सन इज नॉट लाइकिंग मी, और मे बी यू नो दैट्स द रीजन आई एम नॉट मोर प्रेजेंटेबल। और एक ये नेगेटिविटी आई और काफ़ी मुझे, आई ऑलवेज टुक दिस एज अ फ्लॉ, आई नेवर एक्सेप्टेड, मे बी आई डेंट एक्सेप्ट द वे आई एम, आई डेंट एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, दैट्स द रीज़न मे बी लो कॉन्फिडेंस आ गया। और अपने आप को हमेशा कम ही देखा है दूसरों से, तो ये जो थिंग है जस्ट टू एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम, टू बी पॉजिटिव और टू बी अ सक्सेसफुल लेडी एंड वेयर आई एम नाउ, आई थिंक ये इस कमज़ोरी का जाना बहुत ज़रूरी है। रश्मि, ये जो आप अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे से, मैं जानना चाहती हूँ कि बचपन में ये जो चीज़ आपने स्टार्ट की है, खुद को दूसरे से कंपेयर करना, खुद को दूसरे के साथ देखना, तो वो कहाँ से, कहीं आपके पेरेंट्स ने आपको किसी के साथ कंपेयर किया है, आपने खुद को फ्रेंड्स के साथ रिलेटिव्स के साथ कंपेयर किया है? बिकॉज ये जो आप कंपेयर करने की जो आपकी नेचर है खुद को दूसरे के साथ, वो आई है व्हेन यू आर अ 5 to 10 year old, वो मेंटल पैटर्न आपकी बनी है, तो क्या मुझे आप बता सकते हैं कि वो कहाँ से शुरुआत हुई है? एक्चुअली पेरेंट्स के साथ तो इतना प्रॉब्लम कभी हुआ नहीं, टच वुड, आई एम ब्लेस्ड विद अमेजिंग पेरेंट्स। मेरे मम्मी डैडी ने कभी कंपेयर नहीं करा मुझे, बट हाँ मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, माई डैड साइड इट्स वेरी बिग फैमिली, आई हैव एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल कजन्स एंड सिस्टर्स, जो जॉइंट फैमिली की तरह ही है, दिन रात मतलब उठना बैठना मिलना होता है, तो फैमिली में हमेशा कंपेरिजन्स होती थी कि लुक द अदर पर्सन इज़ सो प्रिटी, वो बहुत फेयर है, अगर तू इतनी फेयर होती तू भी इतनी सुंदर होती, यू नो दैट वे इट ऑलवेज हैपेंड। सो इवन दैट वे, एंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज माय फ्रेंड्स यूज्ड टू बी एक्सट्रीमली गुड इन स्टडीज़ एंड मेरे से भले कम भी पढ़ते थे तो ज़्यादा मार्क्स आ जाते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दिन रात पढ़ती रहती हूँ फिर भी मुझे इतना हो नहीं रहा है। तो ये मुझे बहुत प्रॉब्लम फेस हुआ छोटेपन से,
मेरे रिलेटिव्स ने काफ़ी कंपेयर करा, फिर कवर अप करने में बोलते थे ठीक है चलो डार्क है तो ठीक है फीचर्स अच्छे हैं, बट दैट थिंग यू नॉट नोइंग दैट यू आर लीविंग दैट इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड. ओके सो दैट ऑलवेज हैपेंड एंड स्टिल एट दिस एज दे आर स्टिल कंपेयरिंग के अरे वो देख आज भी इज सो यंग, शी लुक्स यंग एट द elderly age and she is very beautiful, you people have to maintain like this and so yeah. Yeah, I think maybe to the family I belong, Sindhis and Punjabis are considered to be a very beautiful kind of people. If एक ये फ्लो आ जाता है तो इंसान को जैसे तो दिस थिंग इट्स नॉट मे बी दिस वाज सिंस फैमिली चाइल्डहुड नॉट माय पेरेंट्स. माय पेरेंट्स नेवर इवन कंपेयर्ड, दे हैव पैम्पर्ड मी, दे हैव लव्ड मी एंड गिवन मी एवरीथिंग दैट आई वांटेड बिकॉज़ ऑफ द फैमिली या सो दैट वाज देयर माय फ्रेंड. तो आप खुद समझ रहे हो कि वो पैटर्न बचपन से आई है जो आप व्हेन यू वर अ स्मॉल किड एट दैट टाइम देन अदर पर्सन स्टार्टेड comparing you with others. Yeah. So हम जो as a psychology क्या होता है कि बचपन में हमें जैसा treatment दिया गया है same treatment हम अपने साथ करते हैं. True. तो आपको जैसे बचपन में treat किया गया not by parents but by relatives, cousins, तो वही treatment आपने अपने आप को दिया. But now as a grown up you know you understand this five fingers are not same. True. It cannot be same, right, Rashmi? Yeah. Same way you need to understand that you are totally different. Yeah. You are totally different, another person is totally different. So you cannot compare yourself with others. You are unique, another person is unique. You cannot become me, I cannot become you. So aapko agar apne inferiority complex se nikalna hai, to aapko khud mein apni uniqueness dekhni hai. As an adult, ab aapko pata hai ki aap aur dusre alag hai. To aaj ke baad aap apne aapko dusre se compare nahi karenge, ye aap first step lenge. अगर आप इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र कर रहे हैं या लो कॉन्फिडेंस से सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर करना बंद कर देंगे. आप सिर्फ अपने आप में यूनिकनेस देखेंगे क्योंकि आप अपने आप से जैसा व्यवहार करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरे आपके साथ करेंगे. आपको मैं ये बताना चाहूँगी माइंड के बारे में थोड़ा कि माइंड क्या होता है. माइंड इज़ लाइक अ कंप्यूटर. ये जो कंप्यूटर हमारा है, आप ये कंप्यूटर में जो टाइप करेंगे वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा. ये कोई पॉसिबल है कि यहाँ पे मैं अगर अपना नाम डालूँ तो आपका नाम दिखाई दे? नॉट पॉसिबल. सेम वे में यहाँ पे अगर मैंने आपका नाम डाला तो आपका नाम दिखाई देगा. सो माइंड में आप जो प्रोग्राम करेंगे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में सेम तरीके से वो बाहर रिजल्ट देगा. तो आज के बाद आपने क्या प्रोग्राम किया? आई एम फीलिंग इन्फीरियर, आई एम फीलिंग इन्फीरियर, आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस, आई डोंट कमांड गया. माइंड इज गिविंग सेम रिजल्ट लाइक अ स्क्रीन. सो यू विल बी ऑलवेज लो कॉन्फिडेंस, यू विल ऑलवेज हैव इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी गिविंग यू सर्टन पॉजिटिव थेरेपेटिक कमांडमेंट्स विच इज कॉल्ड PTC. Okay? Which you will be starting programming in your mind, day-to-day life with your own work. You will just have to say in your mind and usse aapka confidence level badhta jayega. Positive therapeutic commandments are the positive statement which is constructed to program our mind. Jo hum mind mein dalenge, wahi mind hume result dega. To aap bhi shuru kijiye Rashmi ke saath positive therapeutic commandments that is called PTC. That is just see, look at this. This is called positive therapeutic commandments. I am cool and calm. I am confident about myself. I feel good about myself. तो ये आपको कम से कम दिन में डे टू डे लाइफ में उठते बैठते सोते जागते मन में रिपीट करना है. नो मैटर वॉट यू आर डूइंग जस्ट रिपीट इन योर माइंड. आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ. आई एम कूल एंड काम. रश्मि के साथ शुरू कीजिए अभी बोलना. रश्मि, आई एम सेफ एंड कॉन्फिडेंट. आई एम कूल एंड कॉन्फिडेंट. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन इन माई सेल्फ. आई एम फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ. आई एम फीलिंग वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ. नाउ आई वॉन्ट टू जस्ट क्लोज योर आइज एंड रिपीट वन स्टेटमेंट एटलीस्ट 5 times इन योर माइंड. क्लोज योर आइज, सिट डाउन एट वन प्लेस एंड जस्ट रिपीट इन योर माइंड. I am confident about myself. I am feeling good about myself. I only see good things in me. तो रश्मि कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा बेटर तो लग रहा है. सो व्हाट यू डिड
यू स्टार्टेड सेंडिंग अ कमांड डिफरेंट टू माय माइंड. सो जैसे ये रोज आप चालू करेंगे बोलना एज ए आपके डेली रूटीन की तरह, तो धीरे धीरे माइंड विल स्टार्ट टेकिंग दीज वर्ड्स एंड विल गिव यू द रिजल्ट. समझ में आ रहा है? तो आपको एक तो अपने आप को कंपेयर नहीं करना है और अपने मन में पीटीसी स्टार्ट करना है सो दैट यू गेट द रिजल्ट. डॉक्टर, मुझे ये पूछना था, ये जो थेरेपी या पीटीसीज जो आपने मुझे दिए हैं वो मुझे कितनी बार करना है दिन में और कितने दिनों तक करना है और कब तक मुझे मैं रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकती हूँ? इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द मिलना चालू हो जाएगा. जैसे आपने अभी आपने 5 मिनट किया तो आपने बोला मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है क्योंकि आपने अपने थॉट्स को चेंज किया, तो इट विल गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट विद इन अ 2 डेज. इफ यू आर डूइंग इट विद द फेथ यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट. आपको इसको उठते बैठते सोते जागते कभी भी आप कर सकते हो. मन में आपको सिर्फ रिपीट करना है विदाउट चेंजिंग द वर्ड्स एज इट इज. इस तरह ही आपको मन में रिपीट करना. आप उठे हैं, आप सुबह उठ के आप क्या करते हो? बेड में उठ के आप बाथरूम में जाते हो, ब्रश करते हो. ब्रश करते समय आप ब्रश करने के बारे में नहीं सोच रहे हो तो मन में ये रिपीट कीजिए. चेंज कर रहे हो, ड्रेस कर रहे हो, ट्रैवलिंग कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, जस्ट रिपीट इन योर माइंड. उसके बाद आप उसका दूसरा तरीका है, आप उसको लिखिए. एक पीटीसी लीजिए और उसको पूरा पेज भर के एवरीडे 1 पेज लिखिए सोने से पहले. या फिर तीसरा तरीका है, आप उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कीजिए और उसे सुनिए. सो 3 तरीके से हम ये पीटीसीज को यूज़ कर सकते हैं. आप लिख सकते हैं, आप मन में बोल सकते हैं और आप रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ में सुन सकते हैं. और 100% आप मुझे 2 से 3 दिन में आप मुझे बोलेंगे कि आपको रिजल्ट मिल रहा है. यू आर फीलिंग बेटर, यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट, बिकॉज जैसे जो कमांड डालेंगे माइंड विल रिस्पॉन्ड टू यू वेरी सून. यू मीन जो हम बोलते हैं और सोचते हैं वो हम क्रिएट कर सकते हैं 100%. और ऐसे नहीं है कि लिखना या रिकॉर्ड करके सुनना रिजल्ट्स डिफरेंटली आएंगे कि इक्वली आएंगे? ऐसे मतलब जो भी करना चाहूँ मैं, या तो मैं लिखना नहीं चाहूँ खाली बोलना चाहूँ? आप बोलना चाहें उसका रिजल्ट आपको अलग इम्पैक्ट देगा मन में. आप रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ सुनेंगे, जब माइंड अपनी आवाज़ बहुत अच्छे से लेता है तो आपको उससे भी बहुत डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा. लिखेंगे तो उससे भी अलग रिजल्ट मिलता है और कॉम्बिनेशन में सब साथ में अगर करते हैं तो वेरी सून यू विल गेट द रिजल्ट. जोर से बोलना है कि मन में ही बोलना है? सिर्फ मन में बोलना है, मन में ही रिपीट करना. लेट मी ट्राई एंड आई होप आई विल गेट बेस्ट रिजल्ट. आई जस्ट टेल यू दैट इन माय थेरेपी विद माय क्लाइंट्स आई डोंट अलाउ द वर्स्ट द ट्राई वर्ड. आई से आई विल हैव इट. यू विल हैव टू डू इट, लाइक यू डू इट और डाई इट. यू डू और डाई. ट्राई वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप यू विल कीप ऑन ट्राइंग फॉर द लाइफ टाइम. सो यू विल हैव टू डू इट. आई विल डू इट. I am going to definitely follow all the 3 things to get results faster. Okay. Okay. Thank you so much. तो आप भी शुरू कीजिए अपने मन में PTCs बोलना, positive therapeutic commandments. I am cool and calm. I am confident about myself. I am feeling good about myself. ये सारा आपको लिखना है, बोलना है मन में और अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके सुनना है. और अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना है क्योंकि आप यूनिक हैं और आपने आपको अपने आप में अपनी यूनिकनेस देखनी है. जो भी लोग इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सफ़र कर रहे हैं या लो कॉन्फिडेंस से सफ़र कर रहे हैं, आप अगर ये चीज़ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. तो दोस्तों, आपने देखा कि रोशनी नाला की समस्याओं का समाधान किस तरह से डॉक्टर रूपा ने उन्हें बताया हिप्नोटिज्म के जरिए. रोशनी जला के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी जिंदगी की खुशियां उनके पास एक बार फिर लौट आएं. लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस.